हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। पॉलिटी क्लास 7 की एनसीईआरटी समरी कोर्स में यह हमारा अगला चैप्टर है जिसमें हम थर्ड चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि राज्य शासन कैसे काम करता है इससे संबंधित है। आज के लेक्चर में हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न ये है कि प्रोविजन ऑफ प्रोसीजर और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मींस राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है उसकी जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 61, आर्टिकल 60, आर्टिकल 59 एंड आर्टिकल 58। इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में दूंगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है कि जो सरकार है गवर्नमेंट है वह तीन स्तरीय होती है भारत में। एक होती है लोकल मींस जिसे हम पंचायती राज वगैरह बोलते हैं, एक होती है स्टेट मींस जो राज्य सरकार है जैसे एमपी गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट, एक होती है यूनियन जो हमारी केंद्र की सरकार है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इस अध्याय में हम राज्य सरकार के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हम स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को तीन भागों में बांट सकते हैं, जो हमारा शासन होता है वह तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, एक होता है विधायिका लेजिस्लेटर और एक होता है न्यायपालिका जो कि जुडिशरी। जुडिशरी की बात हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। फिलहाल हमारा जो आज का चैप्टर है यह इन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर से संबंधित है, मींस जो कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है। गवर्नर की यदि बात करूं तो ये राज्य का मुखिया है, कोई भी काम होगा तो गवर्नर के काम नाम से ही होगा और उसके साइन होंगे, लेकिन जो वास्तविक जो मुखिया है वह मुख्यमंत्री है। मीन जो सरकार का मुखिया की बात होती है वह है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री अपने काम जो है वह मंत्रियों की सलाह से करता है जिसे हम बोलते हैं मंत्रिपरिषद। वही एक लेजिस्लेटर मीन्स विधायिका होती है। विधायिका दो प्रकार की हो सकती है, यहाँ पर दो सदन होते हैं, एक होती है विधानसभा, ठीक है, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, विधान परिषद, और एक होती है विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा जो है वह निचला सदन है और जो विधान परिषद है वह है ऊपरी सदन है, उच्च सदन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बात आती है कि ये विधानसभा में जो हमारे सदस्य हैं जिसे हम विधायक बोलते हैं या एमएलए बोलते हैं, यह किस तरह से जाते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, तो देख लेते हैं विधायक कौन होता है। देखो सबसे पहले जो हमारा राज्य है, राज्य को विभिन्न जो छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं चुनाव क्षेत्र, या यूं कहें कि विधानसभा क्षेत्र बोल देते हैं। अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक चुनाव द्वारा चुन के आएगा। इसका चुनाव कौन करेगा? जनता इसमें वोट डालेगी और जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, इसीलिए जो विधायक है या एमएलए है उसे हम जनप्रतिनिधि भी बोलते हैं। जैसे ही यह चुनाव में जीत जाता है, क्योंकि चुनाव जो लड़ेगा वह किसी न किसी राजनीतिक दल की टिकट पर ही लड़ेगा, हो सकता है कोई पार्टी ए से लड़ रहा हो, कोई बी से लड़ रहा हो, तो विभिन्न राजनीतिक दल हो सकते हैं जिनकी टिकट पर ये चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है ये निर्दलीय भी चुन के आया हो, ठीक है। लेकिन कैसे भी चुन के आया वह सीधा जाएगा विधानसभा और विधानसभा का वह सदस्य बन जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात। अब ये जो विधानसभा के सदस्य होंगे ये अपने में से, चूंकि यहाँ पर कई सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, सपोज एक उदाहरण जैसे कि मैं बता दूं, जो यूपी का एक उदाहरण लिया गया है इसमें कि यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, तो 403 विधायक चुन के आए। अब विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक जब चुन के आए तो यहाँ पर बहुमत जो चाहिए वह आधे से अधिक चाहिए, मीन्स 202 मिनिमम चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो 2019 वाला ये है रिजल्ट जिसमें 255 सीट जीत के बीजेपी ने सरकार बना ली यहाँ पर, ठीक है। तो बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बना ली, तो जिसकी सरकार बन गई वो हो गए सरकार के विधायक, लेकिन जो सरकार के अलावा जो अन्य दल के विधायक चुन के आएंगे वह क्या हो जाएंगे? विपक्ष के हो जाएंगे, ठीक है। एक हो गया पक्ष के, एक हो गया विपक्ष के। यहाँ तक क्लियर बात आई समझ में? अब ये बात है कि जैसे ये 255 बीजेपी की सरकार बन गई, चुन के आ गए, अब इन्हीं विधायकों ने
एमएलएज ने अपने में से किसी एक कैंडिडेट को क्या बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री अपने ही इन विधायकों में से किसी को चुन के क्या बनाएगा, मंत्री चुनेगा, और इन्हीं मंत्रियों को विभिन्न जो विभाग हैं वह सौंप देगा कि भाई कोई वित्त मंत्री हो गया, कोई गृह मंत्री हो गया, कोई खेल मंत्री हो गया, कोई जल संसाधन मंत्री होगा। इस तरह से उसने जो सीएम है हमारा वह अपने अपने मंत्रियों को क्या है, एक एक विभाग सौंप देगा। इस तरह से जो हमारी जो सरकार बनेगी राज्य में वह विभिन्न विभागों के माध्यम से अपने कार्य संपन्न करेगी। और मुख्यमंत्री सरकार का चूंकि मुखिया है तो वह मंत्रिपरिषद की सलाह से अपना काम संपन्न करेगा। ठीक है, यहां तक हो जाती है विधायक की बात। अब बात आती है कि ये विधायक जब विधानसभा में जाएंगे तो कुछ विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा करते हैं। तो विधानसभा में जब जो बहस होती है वह इस प्रकार से, जब सब लोग बैठते हैं किसी विषय पर, करंट मुद्दे पर जब चर्चा होती है तो यहाँ पर कई जो है अपनी विधायक जो है अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित जो विषय में प्रश्न पूछते हैं और उन वह लगे उनको तो वह सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं। और फिर अंत में क्या होता है जब, तो मंत्री जी उन सभी प्रश्नों के जो है उत्तर देते हैं और जो है सभी को आश्वस्त करते हैं कि सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सामान्यतः आपने यदि देखा हो तो यहाँ पर जो है जैसे कोई विधायक है, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है उसमें उदाहरण दिया गया है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि एमएलए जो है विधानसभा में बैठ के अपने प्रश्न पूछ रहे हैं और ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। जैसे कि एक विधायक कहता है कि पिछले जो है 3 हफ्तों में, मतलब 21 दिनों में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो गई है हैजा के कारण, तो स्वास्थ्य मंत्री का इस विषय पर जो है वह ध्यान आकर्षित करना चाहता है। वहीं एक दूसरा विधायक है वह कहता है कि सरकारी अस्पतालों की दशा जो है बहुत खराब है, यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, या जो भी डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है वह अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है या फिर उसने सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय लिए हैं ये हमको बताएं। फिर एक दूसरा विधायक कहता है कि भाई हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है और पानी की कमी के कारण जो है वहाँ के उस क्षेत्र के लोगों को 3-4 किलोमीटर दूर जो जल स्रोत है वहां से उन्हें पानी लाना पड़ता है, तो वह एक सुझाव देता है कि तत्कालीन जो है एक इस समस्या का निराकरण ऐसे किया जा सकता है कि सरकार जो है टैंकरों की व्यवस्था कर दे। या फिर दूसरा एक उसने सुझाव दिया कि दीर्घकालीन स्तर पर वहां पर एक डैम बना दिया जाए जो कि पास की नदी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरह से जो है सरकार के लिए, मतलब सरकार विधायक क्या कर रहा है, सरकार के लिए अपना मुद्दा जो उसकी जो समस्या है उसके क्षेत्र की उसको सरकार के समक्ष रख भी रहा है, वहीं साथ ही साथ अपना एक सुझाव भी दे रहा है और सरकार यदि उचित समझे उसके सुझाव को तो उसमें कुछ संशोधन के साथ इस तरह से काम कर भी सकती है। तो इस तरह से विधायकों ने अपनी बात रखी। वहीं फिर जो है जैसे जो पानी की समस्या वाला जो था उसमें कहा जाता है कि जल संसाधन जो मंत्री हैं वह बता रहे हैं कि हमने जो है डैम का विचार किया है, सदन में जैसे ही यदि कोई निर्णय लिया जाएगा हमारी सरकार द्वारा तो उसमें हम आप लोगों को सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तमाम समस्याएं जो है विधायक अपने अपने क्षेत्र की रखते हैं सदन में और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और सरकार को कुछ मात्रा में अपना सुझाव भी दे सकते हैं या सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका कि शासन जो सरकार है वह काम किस तरह से करती है। भाई विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वह अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, सरकार ने उन समस्याओं को सुना, समझा और उनका निराकरण किया। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई सरकार जो है क्या करती है, विभिन्न जो निर्णय सरकार द्वारा मीटिंग्स द्वारा में लिए जाते हैं उन मीटिंग्स में सरकार जो निर्णय लेती है उन निर्णयों को इस तरह से जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने निर्णय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है और ये जो निर्णय यहाँ पर जो सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए जाते हैं इन निर्णयों से यहाँ पर जो पत्रकार लोग बैठे होते हैं न्यूज टीवी चैनल अखबार वाले वह पूरक प्रश्न भी पूछते हैं और कि भाई ये निर्णय लिया तो ऐसा क्यों लिया है, ऐसा नहीं कर सकते क्या, तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं। और जब इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो अगले दिन हम टीवी में या अखबारों में इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं कि सरकार ने जो है फलाना निर्णय लिया है। ठीक है,
इस तरह से सरकार काम कर। एक तरीका ये भी होता है कि जैसे किसी क्षेत्र में जैसे कोई आपदा आ गई है, या फिर समझ लो इस समय बारिश हो रही है, मानसून का सीजन चल रहा है, आपदा हुई भारी बारिश के कारण क्या हुआ, खेत में जो फसल थी वह फसल बर्बाद हो गई है। अब फसल बर्बाद हो गई है तो फिर उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री ने या वहां के जनप्रतिनिधि ने क्या किया, मुआयना किया वाकई में फसल बर्बाद हुई है या नहीं हुई है। तो इंस्टेंटली जो है मुख्यमंत्री ने या मंत्री ने जो है वहां के उस क्षेत्र के जो हेड है, मींस जो राजस्व विभाग का है, या फिर हो सकता है कलेक्टर उनके साथ, या फिर हो सकता है कि वहां का डीएसपी या एसडीएम या तहसीलदार हो, उनको यह दिशा निर्देश देती है कि यहाँ पर सर्वे कराया जाए। सर्वे के पश्चात जो प्रॉपर जो एक रिपोर्ट होगी वह हमारे पास पहुंचाई जाए, हम जो है इसका मुआवजा देंगे। अब मुआवजा कितना होगा वह जो है रिपोर्ट जब वहां पहुंच जाएगी गवर्नमेंट के पास, मुख्यमंत्री या जिसने भी यह निर्णय लिया उसके पास, तब जो है बातचीत और विचार के माध्यम से यह निर्णय लिया जाएगा कि मुआवजा की राशि कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है सरकार काम कर सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि सरकार दबाव में, जैसे कि कोई जनता चाहती है, चूंकि देखो सरकार का काम क्या है, कल्याणकारी कार्य करना, किसका कल्याण करना है, जनता के जनहित में काम करना है। अब जनता यदि कोई डिमांड करती है कि भाई ऐसा करना है, और उसके लिए जनता या फिर आंदोलन करती है, या फिर एक तरह से हड़ताल करती है, या फिर इस तरह से डिमांड रखती है, तो सरकार फिर दबाव में आके कोई ना कोई इस तरह से बीच का रास्ता निकालती है और जनता के हित में अपना निर्णय लेती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है राज्य की सरकार या हमारा जो शासन है काम करते हैं। तो ये हमारा जो है सार था, हमारे 7th क्लास का जो 3rd चैप्टर है इसका पूरी समरी थी, इसका पूरा सार हमने डिस्कस किया है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा ये है कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग लगता है उसकी प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है। इस प्रक्रिया का जो वर्णन है आर्टिकल 61 में है, और इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कई बार फैक्चुअल में पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट में, इसीलिए एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।